जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में तो सभी लोग आ जाइएगा वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन किस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई बताइए <laughs> क्या होगा सही आंसर पचास के 30 के या चालीस के या फिर साठ के किस दशक के पश्चात की कविताओं को ये आपसे पूछा गया है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इंक्यावनवा क्वेश्चन है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर इंक्यावन में एक सही आंसर है पचास के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उन सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपसे पर पूछा गया है है क्वेश्चन जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे, सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है यह किसकी पंक्ति मानी जाती है क्वेश्चन नंबर बावन में आपसे पूछा गया है बताइएगा अज्ञे की पंक्ति है रामविलास शर्मा दिनकर या फिर निराला बावन में जो गहन भाव सीधी वासा, सीधे छंद में चाहता है वह है की है ये आपसे पूछा गया पंक्ति पूछा गया है तो आप सभी का यहाँ पर बावन में सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार यानी कि निराला की पंक्ति मानी जाती है क्योंकि सूर्यकांत सूर्य त्रिपाठी निराला विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हम दीवानों की क्या हस्ती है है आज यहाँ कल वहाँ चली किसकी पंक्तियाँ हैं ये बताइए और दोपहर में अपन ने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी था हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले <coughs> और ये पंक्तियां मानी जाती हैं बच्चन रामविलास शर्मा भगवती चरण वर्मा राम कुमार वर्मा तो त्रेपन में आप सभी का राजन जी अर्की जी और बालमकुवद भारती जी कल्पना जी आप सभी का सही आंसर है कि ये पंतियां मानी जाती हैं किनकी भगवती चरण वर्मा जी की किनकी भगवती चरण वर्मा आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर तीन है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसरों का विकल्प नंबर सी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखे <coughs> क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर चंगन पूछा गया है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकर शक्ति सक, के विद्युत कण जो व्यस्त विकल्प बिखरे हैं हो निरूपाए समन्वय उसका करें समस्त बेजैनी मानवता हो जाए किस काव्य की पंक्तियां हैं वह काव्य आपके लिए बताने चंगन में कौन सा वह काव्य चयन कीजिएगा का साकेत है कामायनी है योगधारा है उर्मिला है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है कि चंगन में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका विकल्प नंबर दो सही आंसर है तनुमय जी तनु जी कामाय होगा सही आंसर क्या होगा सही आंसर कामाय क्वेश्चन पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे पर, आप पर पूछा गया है पचपनवा क्वेश्चन है मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा अः कथन किसका है क्वेश्चन नंबर पचपन में आपके लिए बताना है प्रसाद निराला मैथिली गुप्त या फिर दिनकर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है पचपनवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा ये कथन किन का माना जाता है तो पचपन में आपका विकल्प नंबर दो सही आंसर है निराला निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उन्हीं का ये कथन माना जाता है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर छप्पन पूछा है कोई ना खड़ी बोली लिखना आरंभ करी कोई ना खली बोली लिखना आरंभ करे अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने ये किसकी पंक्तियां हैं बताइए बच्चन जी की पंक्तियां हैं नरेंद्र या फिर शकुंतला माथुर या रामेश्वर शुक्ल अंचल छप्पन में आपको चयन करना है महत्वपूर्ण पंक्तियां कोई ना खड़ी बोली लिखना आरंभ करे अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने <coughs> <बताए। coughs> तो छप्पन में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है बच्चन होगा सही आंसर बच्चन जी की पंक्तियाँ मानी जाती है विकल्प नंबर एक होगा आप सभी का सही आंसर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा उर्वशी प्रबंध काव्य की रचयिता कौन मानी जाती है उर्वशी ये जो है प्रबंध काव्य माना जाता है फिर साध का या फिर पंत जी का या फिर दिनकर जी का या फिर महादेवी वर्मा जी का तावन में आपको चयन करना है और वस बताना है बहुत ही महत्वपूर्ण है कई बार अपन इसको पढ़ भी चुके हैं का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आप पूछा गया है और संतावन में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है दिनकर क्या आ रहा है सही आंसर रामदारी से दिनकर आपका सही आंसर और वशी ये प्रबंध काव्य है रामधारी से दिनकर जी का अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर अंठावन यहां पर दिया समर शेष है राष्ट्रीय कविता की रचयिता कौन माने जाते हैं अंठावन में आपको चयन करना है समर शेष है निराष्ट्रीय कविता इसकी रचयता माने जाते हैं मैथिली गुप्त माखनलाल चतुर्वेदी अगे या फिर दिनकर अंठावन में चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर अंठावन में सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर चार होगा सही आंसर समर शेष पूछा गया है राष्ट्रीय कविता की रचयता कौन माने जाते हैं दिनकर जी माने जाते हैं रामधारी दिनकर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया <laughs> उनसठवा क्वेश्चन है क्या अमरों का लोक मिलेगी तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव अरे है मेरा मिटने का अधिकार यह पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं बताइए उनसठ में आपको चयन करना है माधेव वर्मा पंत निराला या फिर प्रसाद उनसठ में आपको चयन करना है क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव अरे यह मीरा मिटने का अधिकार तो आप सभी का यहाँ पर उनसठ में सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर एक महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां मानी जाती है जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है कि इनके लिए महादेवी वर्मा जी के लिए उन्हीं की ये पंक्तियां मानी जाती हैं क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर साठ पूछा गया महत्वपूर्ण है आज के बिछड़े ना जाने कब मिलेंगे आज के बिछड़े ना जाने कब मिलेंगे प्रसिद्ध गीत किसका माना जाता है क्वेश्चन नंबर साठ आपसे पूछा गया है बताइएगा नरेंद्र शर्मा रामेश्वर शुकल नरेश मेहता अज्ञे क्वेश्चन नंबर साठ आपसे यहाँ पर पूछा गया है और साठ में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर चेंज कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है यानी कि नरेंद्र शर्मा शर्मा का है प्रसिद्ध गीत माना जाता विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा कहने का तात्पर्य है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गालकर आप देखना चाहिए केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए सदा उसके इशारों पर ही ना नाचना चाहिए एक कथन किसका माना जाता है क्वेश्चन नंबर इकसठ में आपके लिए चयन करना है महावीर प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल रामकुमार वर्मा दिनकर तो इकसठ में आप सभी का सही आंसर <coughs> क्या होगा एक में सही आंसर रामचंद्र शुक्ल जी का एकथन माना जाता है विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर दो प्रवीण जी जिन्होंने भी विकल्प नंबर दो चयन किया है उनका यहाँ पर सभी का सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है शायद सोशलिस्ट भी है ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं इसमें मुझे संशय है शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है कथन किसका माना जाता है क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर बासठ पूछा गया है प्रेमचंद्र नागार्जुन निराला या फिर पंत बासठ में आपको चयन करना है किनका ये कथन माना जाता है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है बासठ में ये कथन कैसा है निराला है निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये कथन माना जाता है विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर तिरसठ है सभी लोग चयन करेंगे फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन माने जाते हैं तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर तिरसठ में पुल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना मानी जाती है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा तिरसठवा क्वेश्चन है और विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल आपका सही आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा सादगी बेग और सहजता के लेखक कौन माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौंसठ में बताने महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर नगेंद्र है रामविलास शर्मा है रामचंद्र शुक्ल है चौसठ में आपके लिए सही आंसर चयन करना है क्या होगा सही आंसर <laughs> सादगी सहजता के लेखक पूछा गया है चौसठ में और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है चौसठ में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर तीन सही आंसर होगा चौसठ में आपका तीन वाला विकल्प होगा सही आंसर राम <laughs> रामविलास शर्मा रामविलास शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर तीन जिन्होंने भी यहां पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा घुन खाए सहतूतों पर की बारे खड़ी विधाता नाचे ये आपसे पूछा गया है और देखियेगा खाए सहतूतों पर की बारे खड़ी विधाता नाचे और आगे इसी पंत में है भरी भीत है छत चूती है आले पर विस्तुया नाचे पंक्तियां जो हैं किस काव्य रचना से ली गई हैं ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर पैंसठ में चयन करना है क्या होगा सही आंसर फूल नहीं रंग या अपूर्वा युग की गंगा युग धारा क्वेश्चन नंबर पैंसठ में आपको चयन करना है सही आंसर तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर पैंसठ में विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा यानी कि युग धारा आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया है युग धारा उनका यहाँ पर सही आंसर होगा नांगार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है नांगार्जुन जी जो है इनका वास्तविक नाम नाम जो है प्रताप नारायण है वैद्यनाथ मिश्र है उग्र है मैथिल है बताइएगा क्वेश्चन नंबर छियासठ में क्या होगा सही आंसर तो क्वेश्चन नंबर आपका छियासठ है नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है तो आप सभी का यहाँ पर छियासठ में सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वैद्य बैद्यनाथ बे, मिश्र होगा सही आंसर नागार्जुन जी का वास्तविक नाम तो विकल्प नंबर आपका दो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही सभी लोगों ने विकल्प नंबर भी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे ये आपके लिए बताना मैथिली में पूछा गया है यात्री नाम से रसा नाम से नाम नाम से अस्क नाम से अस्क तो सड़सठ में आपके लिए चयन करना है सड़सठ में आप सभी का क्या होगा सही आंसर तन्मय जी और बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मैथिली में पूछा गया है नागार्जुन जी मैथिली में लिखा करते थे यात्री उपनाम से किस नाम से यात्री उपनाम से लिखा करते थे तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है वह आप सभी का यहाँ पर अनिल जी कल्पना जी सभी का सही आंसर यात्री भी चयन किया है नागार्जुन किस धारा के कवि हैं अब आपके लिए बताना है नागार्जुन किस धारा के कवि हैं छायावादी हैं प्रगतिवादी हैं प्रयोगवादी हैं अलंकारवादी है, है, है अड़सठ अलंकार में आपको चयन करना है अड़सठ का क्या होगा सही आंसर नागार्जुन इनका वास्तविक नाम वेद्यनाथ मिश्र है मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते हैं नागार्जुन जो है प्रगतिवादी का कवि है तो ये जो है प्रगतिवादी आपका सही आंसर है विकल्प नंबर दो अब आपसे पूछा कि नागार्जुन का योग धारा काव्य संकलन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था उनहत्तर में आपको चयन करना है उनहत्तर में क्या होगा सही आंसर बताइए उन्नीस सौ छत्तीस में उन्नीस सौ चालीस में उन्नीस सौ बावन में उन्नीस सौ में तो उनहत्तर में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है नागार्जुन जी का युग धारा बताने वर्ष प्रकाशित हुआ तो आप सभी का उनत्तर में सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर तीन उन्नीस सौ ईस्वी में उन्नीस सौ ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर तीन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा नागार्जुन के सप्तक के जो है कभी माने जाते हैं ये आपको बताना है तार सप्तक के कभी हैं या फिर यहाँ पर प्रथम तार सप्तक या दूसरा तार सप्तक या फिर कोई किसी में के नहीं तो देखिएगा यहाँ पर दूसरा सप्तक होगा यहाँ पर ऐसे तो आपका यहाँ पर सत्तर में बताना है तो सत्तर में आपका सही आंसर है कि इनमें से आपका क्या होगा सही आंसर किसी के नहीं होगा सही आंसर किसी के नहीं आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मौन भी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहू ये पंक्तियां किसकी मानी जाती है सेवेंटी वन में आपको बताना है दिनकर नांगरजोन अग्गे या फिर निराला बताइए क्वेश्चन गलत है बिल्कुल तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सत्तर में चयन इकहत्तर में चयन करना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या होगा सही आंसर तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इकहत्तर में मौन भी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो इकहत्तर में आप सभी का सही आंसर विकल्प नंबर आप सभी का सही आंसर है अग्गे आपका पर सही आंसर है है किन की मानी जाती पंथियां अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर बहत्तर आपसे पूछा गया है छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद दिल वाजपेयी ने किससे मानी है किससे मानी है गिरजा कुमार माथुर से अंचल से बच्चन से या फिर दिनकर से क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू में आपको चयन करना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है लवली जी और सोनी जी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंद बिहारी वाजपेयी ने किससे मानी है तो बहत्तर में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर दो यानी कि अंचल होगा सही आंसर ंचल जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है बहुत बढ़िया विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखिएगा नामबार से मुख्यतः क्या है <coughs> बताइए तिहत्तर में बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं क्या बात है चयन कीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा क्या है आपका बहत्तरवा क्वेश्चन पूछा क्या है और बताना है आपके लिए जो नामबार स है ये मुख्यतः क्या मानी जाती है तिहत्तरवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और तिहत्तर में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर ये आलोचक माने जाते हैं क्या माने जाते हैं आलोचक माने जाते हैं विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है क्वेश्चन um. नंबर चौहत्तर यहां पर देखिएगा एक लव्य प्रबंध काव्य की रचयिता कौन माने जाते हैं एक लव्य प्रबंध काव्य है बच्चन का दिनकर का भगवती चरण वर्मा या रामकुमार वर्मा का क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है चौहत्तरवा तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है और सभी लोग बता रहे हैं कि ये तो रामकुमार वर्मा का माना जाता है एक लव्य प्रबंध काव्य जो है इसके रचेता कौन माने जाते हैं राम कुमार वर्मा माने जाते हैं विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है उत्तर छायाबाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली किस केंद्र पर गति पकड़ रही थी बताइए किस केंद्र पर यानी कि काशी इलाहाबाद कानपुर या फिर बंबई पचहत्तर बताइए कि उत्तर छायाबाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली किस केंद्र पर गति पकड़ रही थी तो में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्या आ रहा है सही आंसर चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विकल्प नंबर दो सही आंसर है इलाहाबाद आपका सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर इलाहाबाद आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिएगा उत्तर छायाबाद में भाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था वही केंद्र बताना काशी है कलकत्ता था इलाहाबाद या फिर प्रयाग छिहत्तरवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर तो तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर छिहत्तर पूछा गया है उत्तर छायाबाद में वृद्ध भाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था तो आप सभी का यहां पर छहत्तर में सही आंसर है यहां पर होगा आपका सही आंसर काशी क्या होगा सही आंसर काशी आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर एक जन चयन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर है हाँ बिल्कुल अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा साधना जी स्वच्छतावाद में किस विशेष धारा की विशेषता की प्रमुखता है स्वच्छंदतावाद में बताना है स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है विसंगति बोध या फिर मुक्ता या फिर व्यक्तिकता या फिर अति नवीपन का सही आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है तो आप सभी का यहाँ पर सतहत्तर का सही आंसर होगा विकल्प नंबर तीन आपका सही आंसर है यानी कि व्यक्तिकता आपका यहाँ पर तीन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा व्यक्तिकता आपका सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है जोरदार है और दिनकर के दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक सार्वान और साम्य हैं दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी की कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा ये कथन किन का माना जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर अठहत्तर में पूछा गया है जो कतन वह है रामनरेश त्रिपाठी पंत महावीर द्विवेदी निराला किन का कथन माना जाता है अठहत्तर में बताना है बिल्कुल अनिल जी सोनैना जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि अठहत्तर में जो विकल्प नंबर एक है वह आपका सही आंसर है राम नरेश त्रिपाठी आपका सही आंसर होगा राम नरेश त्रिपाठी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा काम अध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ बताना है कौन सा माना जाता है अठहत्तर में चयन कीजिएगा का कामायनी है और वसी है एकलव्य है आकाशगंगा है कामाध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ बताना है कौन सा माना जाता है उन्यासीवा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है उन्यासी में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर उन्यासीवा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और उर्वशी आपका सही आंसर होगा कामाध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ उर्वशी माना जाता है विकल्प नंबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अस्थि पूछा गया है मिलन यामिनी गीत संग्रह बताइएगा में आप सभी का क्या होगा सही आंसर मिलन यामिनी गीत संग्रह जो है इसके रचयिता कौन माने जाते हैं चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है दिनकर है भगवती चरण वर्मा है बच्चन है अंचल है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अस्सी में तो विकल्प नंबर आप सभी का जो सी है वह आप सभी का सही आंसर है यानी कि बच्चन से है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर बच्चन से बच्चन आपका सही आंसर है बच्चन जिन्होंने भी चयन किया है सी वाला विकल्प है। उनका यहाँ पर सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि अंचल जो है किस साहित्यकार का नाम है अंचल पूछा गया इतना सरल है क्वेश्चन नंबर इक्यासी भगवती चरण वर्मा या फिर नरेंद्र शर्मा रामधारी सह दिनकर या रामेश्वर शुक्ल इक्यासी व क्वेश्चन पूछा गया है अंचल के साहित्यकार का नाम है तो रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका जो है इस प्रकार पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर चार आप सभी का सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दिनकर किस साहित्यकार का नाम है दिनकर इतना सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बताइएगा सरल सरल क्वेश्चन है ये तो रामचंद्र सुकल का या फिर रामकुमार वर्मा रामधारी से है, या फिर नरेंद्र शर्मा तो बयासी में एट्टी टू में आप सभी का सही आंसर है रामधारी से दिनकर इस प्रकार इनका पूरा नाम है दिनकर जो है रामधारी से पूरा नाम है रामधारी से दिनकर रंब की मदरा कु श्वास मलय के झोंके ये पंक्ति बताइएगा किन की पंक्ति मानी जाती है तेरासी में तेरासी में आप सभी लोग चयन करेंगे परिरंब कुंभ की मदरा श्वास मलय के झोंके ये पंक्ति मानी जाती है किन की तो विकल्प नंबर आपका यहां पर एक सही आंसर होगा प्रसाद आपका यहाँ पर तेरासी में प्रसाद जी की पंक्ति मानी जाती है सही आंसरों का विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन क्या है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा सुमन किस साहित्यकार का नाम है सुमन बताना है तो क्वेश्चन नंबर चौरासी में आपसे पूछा गया है क्या होगा सही आंसर चौरासी का लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को हाँ तनु जी पंजाब में जो है थोड़ी से सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुमन किस साहित्यकार का नाम है तो आप सभी का सही आंसर है शिव मंगल से सुमन चौरासी का विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शिव मंगल से सुमन आपका यहाँ पर सही आंसर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर पचासीवा क्वेश्चन पूछा गया है पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में पंतियां किस कृति से ली गई हैं ये आपको बताना है वह कौन सी कृति है आत्मजयी है अंधा युग है भारत भारतीय पंचवटी है पचासी में आप सभी को चयन करना है पचासी का सही आंसर क्या होगा बताइए पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन साहस में स्वतंत्रता में नूतन सर्जन में तो आप सभी का यहाँ पर पचासी में विकल्प नंबर दो सही आंसर होगा ये अंधा युग आपका सही आंसर होगा अंधा है धर्म के बिना धर्मवीर भारती की रचना मानी जाती है और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है छियासीवा क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक और आयोजक थे कौन थे दिनकर थे या फिर नागार्जुन थे बच्चन से थे या फिर अज्ञे थे छियासी में आपको चयन करना है तार सप्तक के संपादक व आयोजक कौन थे छियासी में आपके लिए चयन करना है तो छियासी में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा यानी कि छियासी में आपका अग्ञे सही आंसर है क्या सही आंसर अग्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था तार सप्तक पूछा गया उन्नीस में उन्नीस सौ इक्यावन में उन्नीस में या उन्नीस में क्वेश्चन नंबर सतासी है और सतासी में आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रेणु पंडित जी विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है यानी कि उन्नीस में उन्नीस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सतासी में देखिएगा तार सप्तक उन्नीस सौ द्वितीय सप्तक उन्नीस सौ इक्यावन तृतीय सप्तक उन्नीस और चतुर्थ सप्तक उन्नीस में अज्ञे जी द्वारा जो है ये प्रकाशित कराए गए हैं प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वह साधन है वह साधन है और दोहरा साधन है यह किसका कथन माना जाता है क्वेश्चन नंबर आपसे अठासी पूछा गया है क्या होगा सही आंसर प्रयोग का कोई वाद नहीं है प्रयोग अपने आप में ईष्ट नहीं है वह साधन है वह दोहरा साधन है यह कथन किसका माना जाता है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है नरेश मेहता नांगरजोन अग्जे या फिर रामविलास शर्मा अट्ठासी में आपको चयन करना है अठासी में आप सभी का सी वाला विकल्प आ रहा है सही आंसर कि अज्ञे जी का एक कथन माना जाता है सच्चिदानंद हीरानंद बातशाइन अज्ञे इनका पूरा नाम माना जाता है राहों के अनवेषी किन कवियों को कहा जाता है और किसने कहा है ये भी आप कमेंट में बताइएगा नवासी व क्वेश्चन है दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक चौथा सप्तक चार सप्तक नवासी में आपको चयन करना है राहों का अनवेषी किन कवियों को कहा जाता है और आप सभी का यहाँ पर नवासी में सही आंसर है कि नवासी में चयन करना महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और नवासी में सभी लोग बता रहे हैं कि तार सप्तक के कवियों को जो है तार सप्तक के कवियों को राहों का निवेशी कहा जाता है तो बिल्कुल सही आंसर है तार सप्तक आपका सही आंसर है और विकल्प नंबर डी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर नब्बे क्या पूछा गया है अज्ञा ने कहा है बिल्कुल अज्ञे किस तार सप्तक के कवि थे यानी कि किस सप्तक के कवि थे ये आपसे पूछा गया है नब्बेवा क्वेश्चन है और नब्बे में आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर अग्ञे पूछा गया है चार विकल्प आपके दिए गए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाइक अवश्य कर लें तार सप्तक दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक चौथा सप्तक तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर एक यहां पर सही आंसर है तार सप्तक वैसे इन्होंने जो है प्रकाशित तो चारों सप्तक किए हैं मगर पूछा है किस सप्तक के कवि हैं तो ये तार सप्तक के कवि माने जाते हैं अगला क्वेश्चन देखिए द्वितीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ अब भी बताया आपके लिए द्वितीय जो है बताइए द्वितीय सप्तक उन्नीस में उन्नीस सौ इक्यावन उन्नीस सौ सत्तर उन्नीस सौ पचहत्तर तो नाइनटी वन का सही आंसर चयन करना है और नाइन्टी वन में और नाइन्टी वन का सही आंसर है उन्नीस सौ इक्यावन विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है कौन सा बानवे ने किस किसप्त किस सप्ताह की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है बताइएगा क्वेश्चन नंबर में आपको चयन करना है बानबे का क्या होगा सही आंसर तार सप्तक दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक बानबे का सही आंसर सभी लोग चयन करिएगा सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग कैसे सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है विकल्प नंबर आपका यहां पर भी होगा सही आंसर दूसरा सप्तक दूसरा सप्तक आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है तृतीय सप्तक जो है इक्कीस वर्ष प्रकाशित हुआ तृतीय सप्तक आपको बताना है उन्नीस में उन्नीस में उन्नीस में उन्नीस में तो ये भी आपके लिए बताया था बताइएगा बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं आपसे तिरानबेवा क्वेश्चन है और तृतीय सप्तक बताना है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था तो आप सभी का सही आंसर है तृतीय प्रकाशित हुआ था उन्नीस में कब उन्नीस में अब निम्नलिखित कवि किस सप्तक से संबंधित है ये आपको बताना है तो चलिए मुक्तिबोध बताना मुक्तिबोध एक किस सप्तक के कवि माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है चौरानबे और चौरानबे में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा मुक्तिबोध बताना है किस सप्तक के कवि माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है चौरानबे में कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा तार सप्तक क्या होगा सही आंसर तार सप्तक के ओपी सिंह जी विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तार सप्तक के कवि माने जाते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा शकुंतला माथुर तार सप्तक की है दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक दूसरा सप्तक चौथा सप्तक ये आपके विकल्प दिए गए हैं ये आपको बताना शकुंतला माथुर शकुंतला माथुर जो है, एक की मानी जाती है ये आपको चयन करना है चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पंचानबे में आप सभी का सही आंसर आ रहा है यह मानी जाती है दूसरे सप्तक की किसकी दूसरे सप्तक की मानी जाती है तो विकल्प नंबर आपका यहां पर क्या होगा सही आंसर सी वाला जो है वह आप सब <coughs> सभी का सही आंसर है बिल्कुल सही दूसरा सप्ताह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे लोगों ने बी बता दिया है यहाँ पर विकल्प में देखिएगा यही तो होता है आगे पीछे कर दिया यहाँ पर यहाँ पर दूसरे की जगह तीसरा तीसरे की जगह दूसरा भारत भूषण अग्रवाल बताने भारत भूषण अग्रवाल नाइनटी सिक्स का सही आंसर चयन कीजिएगा दूसरे सप्तक के तीसरे सप्तक चौथा सप्तक या फिर तार सप्तक तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है छियानबे क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये प्रश्न आपके लिए रट लेना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को अधिकतर तो सभी को पता है भारत भूषण अग्रवाल बताने भारत भूषण अग्रवाल जो है इक्स सप्तक के कवि माने जाते हैं तो आप सभी का सही आंसर है ये माने जाते हैं छियानबे का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर आ रहा है तार सप्तक की किसकी मानी जाती हैं

आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर हरी भवानी शकुन करे शेर नरे रघुधरम करे ये किसकी ट्रिक मानी जाती है दूसरे सप्तक की क्वेश्चन यहाँ पर रामविलास शर्मा पूछा तो ये तो मानी जाती है तार सप्तक की विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा धर्मवीर भारती बताना है धर्मवीर भारती जो है ये किस सप्तक के कवि हैं दूसरे सप्तक के हैं धर्मवीर भारती या फिर तार सप्तक तीसरा सप्तक चौथा सप्तक अंठानवे में आप सभी के लिए चयन करना है बताइए तो अंठानबे में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर एक यहाँ पर भी बिल्कुल सही बहुत बढ़िया विकल्प नंबर एक यहाँ पर भी सभी लोग बता रहे हैं दूसरे सप्तक के माने जाते हैं धर्मवीर भारती कौन से सप्तक के दूसरे सप्तक के यानी कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना माने जाते हैं किस सप्तक के कभी तार सप्तक तीसरा सप्तक दूसरा सप्तक किसी के नहीं तो निन्यानवे में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि निन्यानबे में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर चेंज कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निन्यानवे का क्वेश्चन पूछा गया है भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि तीसरा सप्तक जो है उसी के माने जाते हैं सर्व सक्सेना सक्सेना जी त्रिलोचन के सप्तक के कभी माने जाते हैं बताइए त्रिलोचन जी जो है ये किस सप्तक के कवि माने जाते हैं तार सप्तक दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक या फिर किसी से नहीं क्वेश्चन महत्वपूर्ण है चार विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं तिल्लोचन की बात करें तो तिल्लोचन बताइएगा किस सप्तक के कवि माने जाते हैं चौबा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और सौ में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर डी आपका यहां पर सही आंसर है किसी से नहीं किसी के नहीं आपका यहाँ पर सही आंसर लगा दें बिल्कुल सही विकल्प नंबर चार में सही आंसर लगा दिया है गिरजा कुमार माथुर बताना है गिरजा कुमार माथुर बताइएगा ये किस सब तक के कवि माने जाते हैं एक सौ एक में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है और एक सौ एक में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा 101 में वह है आपका विकल्प नंबर तीन यानी किसी वाला विकल्प आपका सही आंसर है तार सप्तक तार सप्तक आपका सही आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र भवानी प्रसाद मिश्र बता रहे दूसरा सप्तक तार सप्तक तीसरा सप्तक या फिर किसी के नहीं चयन कीजिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर एक सौ दो आपसे पूछा गया है और एक सौ दो में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है मनीष पांडे जी ममता जी तो आप सभी का राजन जी सही आंसर आ रहा है एक सौ दो में विकल्प नंबर हाँ दीपक जी बिल्कुल एक सौ दो में आपका विकल्प नंबर एक सही आंसर लगाते हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है एक उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखिएगा विजय देव नारायण शाही बताना है शाही जी जो है ये तार सप्तक के हैं या फिर तीसरा सप्तक दूसरा सप्तक या फिर इनमें से कोई नहीं 103 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है चयन कीजिएगा सभी लोग बताइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विजय देव नारायण शाही एक सौ तीन का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर एक सौ तीन में ये माने जाते हैं बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है यानी कि विजय देव नारायण शाही तीसरे सप्तक के कभी माने जाते हैं तीसरे सप्तक के माने जाते हैं विजय देव नारायण शाही बात करें कुंवर नारायण की तो कुंवर नारायण माने जाते हैं तीसरे सप्तक पहला सप्तक या दूसरा सप्तक या फिर इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर एक आपसे पूछा गया है एक में आप सभी का सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर कुंवर नारायण बताना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर <coughs> दिया गया है और आप सभी का सही आंसर होगा एक सौ चार में विकल्प नंबर आपका यहां पर एक सही आंसर है यानी कि तीसरे सप्तक के भी कुंवर नारायण भी माने जाते हैं तीसरे सप्तक के सी के विजय देवनारायण शाही कुंवर नारायण और कौन तार सप्तक का कवि नहीं है बताइए एक सौ पांच में अज्ञे मुक्तिबोध नमीचंद्र जैन या धर्मवीर भारती अब आपसे पूछा गया है तार सप्तक के कवि नहीं है तो 105 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि तार सब तक के नहीं पूछा गया है आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर पांच में सही आंसर आ रहा है डी वाला विकल्प आपका सही आंसर लगा दें एक सौ पांच में यानी कि धर्मवीर भारती आप सभी का सही आंसर होगा धर्मवीर भारती आपका सही आंसर है यहाँ पर भी बताना है बताइए भारत भूषण अग्रवाल नरेश मेहता रामविलास शर्मा याज्ञ कौन नहीं है तार सब तक के कभी क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर छह पूछा गया है और छह में आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर <coughs> 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 तो छह में आपका यहां पर विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर विकल्प नंबर दो यानी कि नरेश मेहता नरेश मेहता लगा दें सभी लोग सही आंसर नरेश मेहता भी नहीं माने जाते हैं तार सप्तक के कभी तो विकल्प नंबर दो वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रचमी जी बिल्कुल सही बहुत बढ़िया तो इस प्रकार के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे तार सप्तक और हिंदी साहित्य में जो है संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लें सब्सक्राइब वीडियो को कर लें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और ये रोज़ अपनी क्लास होती है रोज इसी तरह से आप सभी के लिए जुड़ना है रात्रि में दस बजे सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और रीता जी मेता जी और नेहा जी भावना जी प्रीति जी और कुमार उमेश जी साधना जी शंकर जी प्रिंसी सोनी जी कंचन जी साधना जी पायल रानी जी रश्मि पाठक जी संध्या कुमारी जी और विवेक जी राजन जी रीता जी संगीता जी कल्पना जी कंचन जी अनिल जी मुखनद जी और सुनैना यादव जी अर्चना जी राखी जी दीपक जी एम एस वर्मा जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना तिवारी सुनैना यादव जी नेहा तिवारी जी अंजलि जी तनु जी भावना जी कम, कल्पना जी आनंद जी और प्रवीण ओझा जी मिथिलेश श्रीवास्तव जी अर्चना जी प्रीति पुरोहित जी दीपमाला जी और निशा वर्मा जी बिल्कुल शंकर जी ए, सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है अमलता जी अर्चना चौधरी जी और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ममता मेहता जी विवेक जी सभी लोग लाइक से अभस से कर लेंगे और रोज अपनी क्लासें चल रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्लासें उमेश कुमार जी और रेखा जी दीपमाला जी राखी जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी रोज सिंह जी हाँ रोज सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए लाइक से अभस्य कर लेंगे आज के वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए शिवरात्रि तनु पांडे जी और सभी के लिए जय हिंद